मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जनरल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलियबिलिटी और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, रेड शॉर्टनेस, कोल्ड शॉर्टनेस, हॉट हार्डनेस, रेड हॉटनेस, हर तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। होमोजीनियस मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसमें प्रॉपर्टीज जो मटेरियल की रहती है वह सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है पूरे मटेरियल में। यानी कि मटेरियल के आप कोई भी सेक्शन में देख लीजिए, जो प्रॉपर्टीज आपको मटेरियल के एक सेक्शन में दिखेगी वही प्रॉपर्टी आपको मटेरियल के दूसरे सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो प्रॉपर्टीज अगर किसी मटेरियल में थ्रू आउट कांस्टेंट रहती हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टीज अगर पूरे मटेरियल में थ्रू आउट कांस्टेंट रहेंगी, थ्रू आउट सेम रहेगी, तो उसे होमोजीनियस मटेरियल कहा जाता है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसमें आप कोई भी डायरेक्शन में देख लीजिए, हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर किसी मटेरियल की कांस्टेंट है, हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की सेम है, तो वह मटेरियल आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहलाएगा। लेकिन सिर्फ इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी उस मटेरियल की थ्रू आउट सेम है तो वो मटेरियल आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम है तो वो मटेरियल होमोजीनियस मटेरियल है। एन आइसोट्रॉपी के बारे में बात करें तो अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल में चेंज हो रही है, हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल की सेम नहीं है, तो वह मटेरियल एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहलाता है। इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो बचपन से हम इलास्टिसिटी वर्ड सुनते आए हैं, रबर जो रहती है वह इलास्टिक रहती है। तो कोई भी मटेरियल अगर इलास्टिक है तो उसमें आप जब लोड लगाएंगे तो वह मटेरियल डिफॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही आप लोड रिमूव करेंगे तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जैसे वो पहले था वैसे ही सेम हो जाएगा जैसे ही आप लोड रिमूव करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। मटेरियल अगर ज्यादा इलास्टिक होगा तो लोड रिमूव होने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, कम इलास्टिक होगा तो लोड रिमूव होने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में तो आएगा लेकिन उसका शेप में हल्का फुल्का डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। जब भी आप किसी भी मटेरियल में लोड लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक वह मटेरियल में इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहती है, लेकिन उस पॉइंट के बाद अगर आप लोड लगाएंगे तो वह मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होने लगता है, जो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताता है। इलास्टिसिटी जब आप लोड रिमूव करेंगे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो वह मटेरियल इलास्टिक मटेरियल कहलाएगा। और अगर प्लास्टिक मटेरियल रहेगा तो लोड जब आप रिमूव करेंगे तो वह उसी शेप में रहेगा जिस शेप में लोड लगा है तब है, यानी कि वह अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, वह डिफॉर्म हो चुका रहेगा, वह इलोंगेट हो चुका रहेगा, इसलिए उस मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल कहा जाएगा। डक्टिलिटी के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा प्लास्टिकली डिफॉर्म हो सकता है फ्रैक्चर होने से पहले, वह डक्टिलिटी कहलाती है। यानी कि अगर आप किसी मटेरियल में लोड लगा रहे हैं उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो वह मटेरियल में कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है फ्रैक्चर होने के पहले, वह डक्टिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी मतलब आप बोल सकते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या फिर एक सिंगल डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में कितना मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो सकता है, वह डक्टिलिटी कहलाती है। इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें तो अगर किसी मटेरियल की लेंथ मान लीजिए एल है और उसमें इलोंगेशन होता है 5% से ज्यादा, यानी कि जो टोटल लेंथ है उससे अगर किसी मटेरियल में 5% से ज्यादा इलोंगेशन होता है तो वह डक्टाइल मटेरियल कहलाता है, जबकि अगर 5% से अगर उसमें कम इलोंगेशन हो रहा है तो वह ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। ब्रिटलनेस या ब्रिटल मटेरियल के बारे में बात करें तो सीधे आप बोल सकते हैं जो मटेरियल में डक्टिलिटी नहीं रहती वो मटेरियल बिटर रहता है, यानी कि जिस मटेरियल में डक्टिलिटी कम रहती है, लैक ऑफ डक्टिलिटी रहती है, वह मटेरियल बिटर रहता है। यानी कि मटेरियल में आप जब लोड लगाएंगे तो वह मटेरियल में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वह मटेरियल में सीधे क्रैक आ जाएगा, उस मटेरियल में सीधे फ्रैक्चर हो जाएगा। जैसे कि ग्लास, ग्लास बिटर मटेरियल है, हल्का सा भी आप फोर्स लगाएंगे तो सीधे फ्रैक्चर हो जाएगा, ग्लास टूट जाएगा। अब हम मैलियबिलिटी के बारे में बात करें तो मैलियबिलिटी वह प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसमें उस मटेरियल को
थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उस मटेरियल में क्रैक आए, यानी कि कोई मटेरियल मैलिएबल मटेरियल रहेगा उससे आप एकदम पतली शीट्स थिन शीट बना सकते हैं और डायरेक्शन से वह फैल सकेगा। जितना ज्यादा मैलिएबल मटेरियल होगा उसमें क्रैक्स और फ्रैक्चर उतने ही देरी से आएंगे। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यह सब मैलिएबल मटेरियल कहलाते हैं। डक्टाइल मटेरियल और मैलिएबल मटेरियल या डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी में बहुत कंफ्यूजन रहती है। डक्टिलिटी हम बोल सकते हैं कि एक यूनिडायरेक्शन में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, एक सेम डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शन में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं, जबकि मैलिएबिलिटी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हर डायरेक्शन से होता है। हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। हम हार्डनेस के बारे में बात करें तो हार्डनेस वह मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसमें वह मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और फ्रैक्चर को रेजिस्ट करता है, यानी कि एक मटेरियल में जब आप लोड लगा रहे हैं, जब इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उस मटेरियल में अगर सरफेस में कोई भी डेंट नहीं पड़ रहा है, वह मटेरियल कट नहीं हो रहा है, वह मटेरियल ग्राइंड नहीं हो रहा है, उस मटेरियल की हार्डनेस बहुत ज्यादा है। अगर किसी मटेरियल की हार्डनेस ज्यादा होगी तो वह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और फ्रैक्चर को बहुत ज्यादा रजिस्ट करेगा। टफनेस के बारे में बात करें तो टफनेस फ्रैक्चर के पहले कोई मटेरियल कितना शॉक्स को, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है वह टफनेस बताता है। यानी कि कोई मटेरियल में फ्रैक्चर होने वाला है और वो फ्रैक्चर से पहले कितनी एनर्जी को, कितने शॉक्स को, यानी कि जब आप उसमें लोड लगाना चालू किया, जब आपने किसी मटेरियल में एनर्जी देना चालू की, तो फ्रैक्चर से पहले वो मटेरियल कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वह टफनेस कहलाती है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नीचे का एरिया रहता है वह टफनेस बताता है उस मटेरियल की। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो मटेरियल फ्रैक्चर को कितना रेजिस्ट कर सकता है, क्रैक को कितना रेजिस्ट कर सकता है वह उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कहलाता है। एग्जांपल के साथ हम बात करें तो मान लीजिए दो जन लड़ रहे हैं, दो जन के बीच में फाइट हो रही है जिसमें से एक जन दूसरे को बहुत मार रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसके शरीर में या जब वो मार खा रहा है तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, ना हड्डी टूट रही है, ना खून निकल रहा है, ना कोई स्क्रैच पड़ रहा है, तो जो दूसरा बंदा है वो बहुत हार्ड कहलाएगा, उसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर ये पहला बंदा जो मार रहा था वो अब हॉकी स्टिक लेके आके अब मारना चालू करेगा, तब उसको फर्क पड़ेगा और तब उसकी हड्डियां टूट सकती है, तब खून निकल सकता है। तो जो दूसरा बंदा मार खा रहा है वो कितने बेसबॉल बैट खाता है या कितनी हॉकी खाता है फ्रैक्चर होने से पहले या खून निकलने से पहले कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वह उसकी टफनेस कहलाती है। जबकि स्ट्रेंथ हम बोले तो अब वो बहुत मार खा चुका है और फ्रैक्चर होने ही वाला है, लेकिन अभी भी वो फ्रैक्चर को रजिस्ट कर रहा है तो वह स्ट्रेंथ कहलाती है। रेड शॉर्टनेस, कोल्ड शॉर्टनेस और हॉट हार्डनेस या फिर रेड हॉटनेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोल्ड शॉर्टनेस के बारे में बात करें तो लो टेम्परेचर में किसी मटेरियल में अगर क्रैक आता है, लो टेम्परेचर में अगर कोई मटेरियल में ब्रिटलनेस रहता है उसके कारण उसमें क्रैक आता है, तो उस मटेरियल को हम बोल सकते हैं इसमें कोल्ड शॉर्टनेस है। यानी कि जब ये मटेरियल का टेम्परेचर कम है तब इसमें ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा है, तो उस मटेरियल में कोल्ड शॉर्टनेस है। यानी कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम रहता है और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में वह मटेरियल ब्रिटल रहता है, वह मटेरियल में क्रैक आ सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, तो यह कोल्ड शॉर्टनेस कहलाता है। रेड शॉर्टनेस के बारे में बात करें तो अगर किसी मटेरियल को आप हीट किए हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा और जैसे जैसे आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जाते जा रहे हैं उस मटेरियल की ब्रिटलनेस बढ़ते जा रही है, उस मटेरियल में क्रैक आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को रेड शॉर्टनेस कहेंगे। आयरन सल्फाइड के कारण मेनली रेड शॉर्टनेस हमें देखने को मिलता है। तो अगर स्टील में सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है एज अ इम्प्यूरिटी तो वह स्टील में रेड शॉर्टनेस बहुत ज्यादा रहेगी, यानी कि जैसे जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे स्टील ब्रिटल होते जाएगी और उसमें क्रैक आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और अब हम हॉट हार्डनेस या रेड हॉटनेस के बारे में बात करें तो हॉट हार्डनेस या रेड हॉटनेस वह प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसमें वह रेड हॉट हो जाता है तब भी अपने हार्डनेस नहीं खोता। टूल्स में ज्यादातर ये प्रॉपर्टी डिजायरेबल रहती है, टूल्स में ज्यादातर ये प्रॉपर्टीज देखी जाती है। इसके अलावा मशीन एबिलिटी किसी मटेरियल की वो एबिलिटी होती है जिसमें
उस मटेरियल को मशीन करना आसान रहता है। अगर किसी मटेरियल को मशीन करना आसान है, मटेरियल मशीनेबल है, वो मटेरियल की मशीनेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। एम्ब्रिटलमेंट भी आपने बहुत सुना होगा। एम्ब्रिटलमेंट अगर किसी मटेरियल में होगा तो उसमें डक्टिलिटी लॉस होगी, यानी कि जब भी किसी मटेरियल में डक्टिलिटी लॉस होती है तो यह प्रॉपर्टी एम्ब्रिटलमेंट कहलाती है। कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कारण मटेरियल में डक्टिलिटी लॉस होती है। उसी तरह हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट भी होता है, जहां पे मटेरियल हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी मटेरियल में प्रॉपर्टी रहेगी तो हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट इसे कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने जनरल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया, टफनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, एम्ब्रिटलमेंट, बहुत सी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय जवान, जय किसान।